अरे जौनपुर शीतला माई के गोदी में जिंदगी अपन बिताइब हो। अरे नवरात्र भर रही के भैया, नवरात्र भर रही के भैया, माईक पचरा गाइब हो। मनई के जन्म बनौलू तू, मनई के जन्म बनौलू तू, हम नौ के बनाव जन्म माई, एक बेरी छिड़ैयऊ के भी दई द सुघर मानुष तन माई, एक बेरी चिड़ैयऊ के भी दई द सुघर मानुष तन माई। बबुआ के अब ही किताब नाही आइल, बबुआ के अब ही किताब नाही आइल, कि तोहरे भरोसे बा घरवा दुअरवा, अहत संग में बहार ले ले आई है, गमछा में बांध के दुलार ले ले आई है। निमिया के डाढ़ मैया मोरी नावेली झूलनवा, हो कि झूली रे झूलिना, मैया मोरी गावेली गीतिया, हो कि झूमी झूमिना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया, हो कि झूमी झूमिना। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में पूर्वांचल के जाने माने गायक आशीष पाठक अमृत जी हैं। सबसे पहले आपका जय भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। आप गायकी में आए, आप पूर्वांचल के जाने माने गायक हैं, तो कैसे इस विधा में प्रवेश किए? प्रवेश करने के लिए एक्चुअली क्या था कि मेरे गाँव में एक बार बारात आई थी, उस बारात में एक लोग गीत गा रहे थे भाई। मैं गीत का शौकीन भी था, बहुत सारे फिल्मी गीतें भी मैं गाता था, तो मैंने वहाँ पे गीत गाया। मतलब वो जो लिए हुए थे, जो डीजे क्या कहते हैं, डीजे साउंड वाउंड जो है, बाजा लेके आए थे, और उसी माइक से मैंने गाना शुरू किया। उसके बाद मैं घर पे आया तो मैं फिल्मी गीत गाने लगा, तो एक दो ऑर्केस्ट्रा में मैंने गाया तो मेरी दादी माँ जो है मना कर दी कि नहीं तुम माँ का गीत गाओ, जो देवी माँ, तो निबिया के डाढ़ मेरी दादी माँ ने सुनाया, तो वही गीत से मैंने शुरुआत किया। निबिया के डाढ़ मैया डाले ली झूलनवा, दर्शकों को गीत सुना दीजिए निबिया के डाढ़। हरे निबिया के डाढ़ मैया मोरी, हरे निबिया के डाढ़ मैया मोरी, नावेली झूलनवा, हो कि झूली रे झूलिना, निमिया के डाढ़ मैया मोरी, नावेली झूलनवा, हो कि झूली रे झूलिना, मैया मोरी गावेली गीतिया, हो कि झूमी झूमिना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया, हो कि झूमी झूमिना। अरे सूतल बाड़ू की जागल हो मलिनिया, हमके बूंद एक ना, देवी माँ वाली से कहती है कि सूतल बाड़ू की जागल हो मलिनिया, हमके बूंद एक ना, जल्दी पनिया पिए तू मालिन बूंद एक ना। और देवी माँ को पानी पिलाने के खातिर मालिन मना कर देती है, क्योंकि उसके गोद में एक नादान बोध बच्चा है। कहती क्या है कि कैसे के पनिया पियाई मोरी मैया, हो कि मोरी गोदिना, कि बाटे बाल कन धनवा मैया मोरी गोदिना। और जब देवी माँ पानी पी लेती हैं तो उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है, और कहती क्या है कि जैसन हे मालिन तू हम के जुड़वलू, हो कि वैसे वैसे ना, जैसन हे मालिन तू हम के जुड़वलू, हो कि वैसे वैसे ना, तो हर मलिया जुड़ाएं, हो कि वैसे वैसे ना, तो हर पुतवा जुड़ाएं, हो कि वैसे वैसे ना। तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कैसे आगे बढ़ी इस विधा में? हाँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और इस लाइन में मैंने शिक्षा दीक्षा तो मैं संगीत का भी लिया हूँ। हमारे गुरु जी हैं प्रतापगंज इंटरमीडिएट कॉलेज में, वो संगीत के टीचर थे, और हमारे गीत संगीत में आगे लाने का श्रेय
एक हमारे यहाँ अशोक मिश्र जी बहुत अच्छे कवि हैं, प्रतापगंज इंटरमीडिएट कॉलेज में वो इंग्लिश के लेक्चरर हैं, तो बहुत बड़ा योगदान उनका है। अच्छा, उन्होंने कभी कठिनाई आई हो, कोई दिक्कत आई हो? बहुत कठिनाइयाँ आई हैं भाई। कोई एक वाक्य जो याद हो आपको? अब वाक्य तो बहुत सारा है। कभी कभी ऐसा था कि घर में चम्मच नहीं था, लेकिन माँ का गीत गा के आज हम लोग, पहले ये होता था कि हम लोग कार में चल लेंगे कि नहीं, हम ये मिठाई खा सकते हैं कि नहीं, ये खाना खा सकते हैं कि नहीं, लेकिन आज माँ की ऐसी कृपा है कि जो चाहते हैं वो माँ दिलवा देती हैं। मैं गया था MP में गीत गाने, माँ के दरवाजे पे, द्वार पे, तो मैंने वहाँ पे गाया कि माई दुअरिया पे आइल बानी, श्रद्धा के फूल लिए उले बानी, माई मन के मन सब पुरई हैं हो, अब ही तो टू व्हीलर से बानी, फोर व्हीलर में माई बैठी हैं हो, अब ही तो हम तो पैदल बानी, फोर व्हीलर में माई बैठी हैं हो। फिर मैंने गाया कि चलत चलत पहुआ में हमरे पड़ गैल कितना छाला हो, तोरे सिवा हे माई अब के बसु नहीं वाला हो, हे माई तनी हथवा धई द, मथवा पे हमरे हथवा रखी द, हे माई तनी दर्शन दई द, मथवा पे हमरे हथवा रखी द, तोहें छोड़ आशीष पाठ कहाँ जई हैं हो, अब ही त हम टू व्हीलर से बानी, एरोप्लेन में माई बैठी हैं हो। तो माँ ने एरोप्लेन से मुंबई जीवदानी गीत गाने के लिए बुलाया, और फोर व्हीलर भी माँ ने दिलाया। अब एक सपना और है कि एक घर हो जाए, जाएगा माई के कृपा से, वो भी हो जाएगा, माता का आशीर्वाद हो जाएगा जी। आप माता के दरबार में आप देख सकते हैं माता जी का फोटो लगा हुआ, कुछ नवरात्र भी चल रहा है तो कुछ माता जी के लिए स्पेशल हो जाए। तो नवरात्र में महारानी के जितना भक्त लोग बढ़न, सबके घर में यह नवरात्र में सुख समृद्धि संपन्नता भरल रहे, माई की कृपा बरसत रहे, हमार शुभकामना बा। एक गीत हम गौले बनी जौन काफ़ी पॉपुलर रहल यूट्यूब पे उबा, एक ये गीत में सास और बहू का किस्सा है। एक नई नई लड़की है, उसकी शादी होती है तो अपने ससुराल में आती है, जब ससुराल में आती है तो सुबह 4 बजता है, वो सो के उठती है तो 4 बजे सुबह में जब वो देखती है तो चिड़िया चहकने लगती है, तो अपने सासू माँ से प्रश्न करती है उठ के, कहती क्या है कि चिड़िया काहे बोलेला। इस गीत को लिखे हमारे मुन्ना तिवारी जो कानपुर में है, वो भी पहले गाते थे, लेकिन माँ की कृपा ऐसी रही कि उनको नौकरी मिल गई, तो वो गीत उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैंने गाया कि चिड़िया काहे बोलेला, बैठल अटार हो चिड़िया काहे बोलेला। ये बहू पूछती है अपने सासू से, सासू माँ कहती हैं कि शीतला भवानी यहीं हैं, विंध्याचल महारानी यहीं हैं। मेरे घर में आज शीतला महारानी आने वाली हैं, विंध्यवासिनी माँ आने वाली हैं, वैष्णो देवी माँ आने वाली हैं, इसीलिए चिड़िया चहक रही है। तो सासू माँ कहती हैं कि शीतला भवानी यहीं हैं, विंध्याचल महारानी यहीं हैं, होत भिनसार हो चिड़िया यहीं से बोलेला, बैठल अटार हो चिड़िया यहीं से बोलेला। उसके बाद बहू कहती है कि अब ही अन्हार बाटयो न के जगाई द, अपने सासू माँ से कहती है कभी अंधेरा है और पति को जगाइए, कि अब ही अन्हार बाटयो न के जगाई द, गैया के गोबरा से अंगना लिपाई द, चौका सजा के माई सजल दरबार हो चिड़िया यहीं से बोलेला, बैठल अटार हो चिड़िया यहीं से बोलेला। एक आपका बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है जिसमें चिड़िया भी माता से गुहार लगाती है कि ये माता हमको भी मनुष्य का जीवन दे दीजिए। हाँ, वो गीत है, एक पक्षी है वो भी चाहता है कि हमें मनुष्य का जीवन मिले। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, तो पक्षी कहती क्या है कि माई माई गोहराई के मोर कहे, दुखवा माई से चकोर कहे, हथवा बिन कैसे चरण धरी, मथवा बिन कैसे नमन करी,
माई माई गोहराई के मोर कहे, विंध्याचल में हो चकोर कहे, हथवा बिन कैसे चरण धरी, मथवा बिन कैसे नमन करी। मनई के जन्म बनौलू तू, मनई के जन्म बनौलू तू, हमनौ के बनाव जन्म माई, एक बेरी चिरैयौ के भी दई दे सुघर मानुष तन माई, एक बेरी चिरैयौ के भी दई दे सुघर मानुष तन माई। मोरवा दुख रोई कहे माई, सावन में जब बिजली चमके, तब तोहर चरण के सुधी होला, दर्शन खातिर मनवा तरसे। अब तनिको मन ना धीर धरे, अब तनिको मन ना धीर धरे, पुरवा हम नौ के सपन माई, एक बेरी चिरैयौ के भी दई दे सुघर मानुष तन माई। और कोई सॉन्ग जो आपका पॉपुलर हो? हाँ, मैंने एक गीत गाया है, पत्नी गांव में है, आदमी मुंबई कमाने गया है। तो आप लोगों ने देखा, अभी बीते वर्ष कोरोना की महामारी फैली हुई थी, अब धीरे धीरे अपना भारत सुधर रहा है और आर्थिक स्थितियाँ मजबूत हो रही है। तो मैंने गाया था भाई, गांव में जब पति का कुछ पहले मनी आर्डर कहते थे, मनी आर्डर नहीं आता है, पैसा नहीं आता है, तो बच्चों की फीस कैसे जमा हो, जेवर का किताब कैसे है। तो पत्नी अपने पति से फ़ोन करके कहती है कि मुन्नी के अबही ले फीस ना भराई, बबुआ के अबही किताब नहीं आइल, बबुआ के अबही किताब नहीं आइल, कि तोहरे भरोसे बा घरवा दुअरवा, अहत संग में बहार ले ले आई है, गमछा में बांध के दुलार ले ले आई है, गमछा में बांध के दुलार ले ले आई है। फिर पत्नी कहती है कि छोड़ी के गईल सैया जौनपुर नगरिया, बम्बई शहर जाके कैला नौकरिया, बम्बई शहर जाके कैला नौकरिया, माई जीवदानी बिरार में बिराजली, मुंबई महारानी जी मुंबई पधारली, कि धमवा में जाके तू माई के मनई है, ममता के वन के दुलार ले ले आई है, गमछा में बांध के दुलार ले ले आई है। फिर पत्नी कहती है कि देवर जी घरवा कर सब कमवा, ससुर जी के कितना हम करी हो बखनवा, ससुर जी के कितना हम करी हो बखनवा, दादी जी के तबीयत बहुते खराब बा। कहती है कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, और एक चाचा जी थे दादी जी के, एक बेटे थे जो बेचारे ऑटो चलाते थे, मुंबई में इंस्पायर कर गए, वो अपनी बहन को जब आते थे तो बुआ को गिफ्ट उपहार ले आते थे, लेकिन बुआ के दोनों आदमी भी ख़त्म हो गए हैं। देवर जी घरवा कर सब कमवा, ससुर जी के कितना हम करी हो बखनवा, ससुर जी के कितना हम करी हो बखनवा, दादी जी के तबीयत बहुते खराब बा, ऑटो वाले चाचा से रहलवन के आंसू हो, ऑटो वाले चाचा से रहलवन के आंसू हो, छोटका बड़का फूफा छोड़ गईले सथवा, छोड़का बड़का फूफा सब छोड़ गईले सथवा, फूवन के कौनो उपहार ले ले आई है, गमछा में बांध के दुलार ले ले आई है। बहुत सारे रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, बुआ का फूफा का, लेकिन ऐसे रिश्तों को जीवित करके चलना है हम लोग। कोई जौनपुर शहर पे गीत है आपका? जौनपुर शहर पे तो एक माँ का गीत मैंने गाया है कि जौनपुर शीतला माई के गोदी में जिंदगी अपन बिताई हो, अरे जौनपुर शीतला माई के गोदी में जिंदगी अपन बिताई हो, अरे नवरात्र भर रही के भैया, नवरात्र भर रही के भैया, माई के पचरा गायब हो, जौनपुर शीतला माई के गोदी में जिंदगी अपन बिताई हो,
अरे मायन पुरड़ा संकट मोचन में प्रसाद चढ़ाइब हो। नवदुर्गा मंदिर में चल के, गोमती के किनारे नवदुर्गा माँ का मंदिर है कि नवदुर्गा मंदिर में चल के हम माई के पचरा गाइब हो। और माई के दर्शन कई के हम पियरी चटकार चढ़ाइब हो। जौनपुर शीतला माई के गोदी में जिंदगी अपन बिताइब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आशीष पाठक जी, अमृत जी, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया और माता का गुणगान अपने गानों के माध्यम से किया। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।